तो चैप्टर नंबर 13 में अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 13 जो है वो बेसिकली करंट इलेक्ट्रिसिटी, और जब आप बात करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की तो सबसे पहली चीज जो आपको समझ में आनी चाहिए वो ये कि इलेक्ट्रिक करंट से क्या मतलब है। जल्दी जल्दी डेफिनेशन रिकॉल कर लेते हैं ताकि असल टॉपिक की तरफ चले जाए। जी इलेक्ट्रिक करंट जो जो कंडक्टर से जो फ्लो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो इलेक्ट्रिक करंट है ना, लव्स इलेक्ट्रिक का करंट का मतलब जो फ्लो हुआ करता है। जब मैं टर्म इस्तेमाल करता हूँ इलेक्ट्रिक करंट, तो उसका मतलब होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। अब हमारे पास मटेरियल जो है वो दो तरह के हुआ करते हैं। एक मटेरियल है जिसको आप नाम दिया करते थे किसका, कंडक्टर का, और एक मटेरियल है जिसको मैं नाम दिया करता हूँ किसका, इंसुलेटर का। आपको फर्क याद होगा, कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि कंडक्टर्स के अंदर जो एटम्स होते थे वो क्लोजली पैक्ड होते थे, और इनके क्लोजली पैक्ड होने से क्या होता था, जो इलेक्ट्रॉन है उसपे हर तरफ से फोर्स लग रही थी। जब इलेक्ट्रॉन पे हर तरफ से फोर्स लगती थी वो इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाया करता। तो कंडक्टर के अंदर दो तरह के इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, एक कहलाता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स और दूसरा क्या कहलाता था, बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। एक होता है फ्री इलेक्ट्रॉन और एक क्या होता है, बाउंड इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन है जो मटेरियल को किसका दर्जा दे देता है, कंडक्टर का। इंसुलेटर्स में क्या होता था, इंसुलेटर्स में एटम एक दूसरे से काफी दूर दूर होंगे, लगेगा निकलेगा, हर इलेक्ट्रॉन एक ही न्यूक्लियस के जेर असर घूमता रहेगा। जब हर इलेक्ट्रॉन एक ही न्यूक्लियस के जेर असर घूमेगा तो कौन सा इलेक्ट्रॉन कहलाएगा, बाउंड इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर जितने इलेक्ट्रॉन है वो सारे कैसे हो, तो पहला फर्क तो हमें याद होना चाहिए कि कंडक्टर क्या होता है और इंसुलेटर क्या होता है। अब हम सिर्फ कंडक्टर की बात करें, अगर मैं एक पीस ऑफ वायर ले लू तो इस पीस ऑफ वायर के अंदर मेरे पास लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये फ्री इलेक्ट्रॉन रैंडम ट्रेवल कर रहे होंगे, और जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन रैंडम ट्रेवल करेंगे तो इनकी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, कुछ ना कुछ स्पीड होगी। नाम याद है स्पीड को क्या कहते हैं, थर्मल वेलोसिटी या थर्मल स्पीड, जो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी की वजह से लगता है वो थर्मल वेलोसिटी कहलाती है। अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को देखें तो ये इलेक्ट्रॉन रैंडम डायरेक्शन में ट्रेवल करते थे। रैंडम का क्या मतलब था, अगर दो इलेक्ट्रॉन अपवर्ड है तो कहीं ना कहीं दो इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड होंगे। अगर आपके पास तीन इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में तो कहीं ना कहीं तीन इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट डायरेक्शन होंगे, नतीजा क्या निकलता था, नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बन जाता था, जीरो। और नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जीरो होने का मतलब ये होता था कि करंट की वैल्यू क्या बन गई, जीरो बन गई। तभी तो आप वो एक एमसीक्यू आपके जहनों में हो कि एक नॉर्मल कॉपर वायर अगर आप दोनों हाथों से पकड़ लें इस तरह तो क्या कोई करंट फील होता है, नहीं। क्यों? क्योंकि करंट बहुत स्मॉल होता है, क्योंकि नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जीरो होता है। नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग इन वन डायरेक्शन इज बैलेंस्ड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो वो दोनों एक दूसरे के ऊपर को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। आपको ये बात समझ आनी चाहिए, ये थर्मल वेलोसिटी। आप क्या करते थे, आप यहां पर कनेक्ट किया करते थे एक बैटरी, आप यहां पर कनेक्ट किया करते थे एक बैटरी या सेल, और वो सेल क्या प्रोवाइड करता था, पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा ना वर्क डन पर यूनिट चार्ज। जैसे ही यहां पर ये पॉजिटिव आएगा ये तमाम इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये तमाम इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। वो तमाम इलेक्ट्रॉन जो पहले रैंडम थे अब वो सब के सब इस डायरेक्शन में जाना शुरू कर देंगे। जब तमाम इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या जनरेट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट। तभी तो आपने डेफिनेशन पढ़ी, अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम। डेफिनेशन याद आ रही कि वो अमाउंट ऑफ चार्ज जो कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से एक सेकंड में पास हो वो अमाउंट ऑफ चार्ज आपके लिए क्या कहलाता था, इलेक्ट्रिक करंट। Amount of charge passing through cross section of a conductor in 1 second is called electric current. यहाँ तक की बात आ रही है, I equal Q over D.
यूनिट क्या होता था करंट का? एम्पियर, और वो था क्या? कूलम पर सेकंड, जिसको हम एम्पियर लिखते थे, एएमपी भी लिखते हैं, कैपिटल ए भी लिखते थे, फर्क हमें से कोई नहीं पड़ता। यह हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रिक करंट हो गया। अब इलेक्ट्रिक करंट के लिए किसका होना जरूरी है? वोल्टेज का। क्यों? अगर वोल्टेज नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन रैंडम हो गए। तो ये वोल्टेज करता क्या है? ये वोल्टेज इलेक्ट्रॉन को एक वेलोसिटी देता है, उस वेलोसिटी का नाम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उस वेलोसिटी का नाम क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये वोल्टेज इलेक्ट्रॉन को एक वेलोसिटी देगा जिसका नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक। अच्छा, अब इन दोनों के ऑर्डर्स आपकी किताब के अंदर मौजूद है। ठीक है, वैल्यूज मुझे पता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप घर जाए थोड़ा सा रीड करेंगे। किसी को ये गुमान हो रहा है कि सर आपको भी याद नहीं है ना, आप हमसे मेहनत करवा रहे हैं, तो ऐसा नहीं। अभी नीचे वाले ग्रुप में बता के आप, तो बात सिर्फ इतनी से कि घर जाइए तो इसे बुक रीडिंग कीजिएगा, आपको वैल्यूज मिल जाएगी कि आपके पास थर्मल वेलोसिटी का ऑर्डर क्या होता और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ऑर्डर क्या होता। ठीक है, इतना बता देता हूँ कि एक 10^-2 और एक 10^6 है। अब आप घर जाकर पढ़ेंगे और ये याद कर लेंगे कि कौन सा ऑर्डर किसका है। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी थर्मल वेलोसिटी पर सुपरइंपोज होगी, नतीजा क्या निकलेगा? तमाम की डायरेक्शन क्या बन जाएगी? सेम, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो जाएगा। तो अब एक बात हमें याद आ गई, क्या करंट के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का होना जरूरी है? और ये बात सबसे पहले किसने साबित करके दिखाई? ओम्स लॉ याद आ रहा है कुछ? ओम्स लॉ क्या कहता था? ओम्स लॉ आपके पास ये काम करता था कि अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। करंट हमेशा थ्रू होगा, पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा अक्रॉस होगा। जब आप प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं तो एक क्या आ जाता है? कांस्टेंट। यहाँ पर उस कांस्टेंट को हम डिनोट करते थे कैपिटल के से, और इस कैपिटल के को हमने क्या नाम दे रखा था? कैपिटल के को हमने नाम दे रखा था क्या? कंडक्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। इस कैपिटल के को हम नाम देते थे कंडक्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। और कंडक्टेंस का मतलब है क्या? कंडक्टेंस का मतलब है करंट को कंडक्ट करने की सलाहियत। लेकिन दर हकीकत मटेरियल की या कंडक्टर में जो प्रॉपर्टी पाई जाती है वो कंडक्टेंस नहीं होती, वो बेसिकली कौन सी प्रॉपर्टी हुआ करती है? रेजिस्टेंस। उस प्रॉपर्टी का नाम है क्या? रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, विच इज एक्चुअली डिनोटेड बाय कैपिटल आर। अब ये रेजिस्टेंस है क्या? देखिए, जितने भी कंडक्टर्स होते हैं उनमें एटम दूर दूर होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेगा तो वो एटम से टकराएगा, वो न्यूक्लियस से टकराएगा। जब वो न्यूक्लियस से टकराएगा तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि इलेक्ट्रॉन जा रहा था, सामने एटम आ गया, इलेक्ट्रॉन घूमा और फिर आगे चला गया, फिर एटम आ गया घूमा और चला गया। नहीं, इलेक्ट्रॉन जाएगा, टकराएगा, बाउंस बैक हो जाएगा, फिर जाएगा किससे टकराएगा, इस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो कुछ वो ब्रोलिन मोशन टाइप याद है, फिजिक्स में कभी पढ़ी हो, तो इलेक्ट्रॉन कुछ वैसे ही मूव कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा होगा, न्यूक्लियस से टकराएगा, डिग्रेड हो जाएगा, दूसरे न्यूक्लियस से टकराएगा, डिग्रेड हो जाएगा। ये जो कोलिजन है, जो इलेक्ट्रॉन को फेस करनी पड़ रही है, इस कोलिजन का नाम क्या है? रेजिस्टेंस। उस कोलिजन से इलेक्ट्रॉन के ट्रेवल करने में मुश्किल पैदा होती है, उस मुश्किल का हमने क्या रखा हुआ है? रेजिस्टेंस। तो असल प्रॉपर्टी क्या होती है? रेजिस्टेंस। असल प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस है। अब हमारा कॉमन सेंस क्या कहती है? अगर मैं के और आर में रिलेशन बनाना चाहूं तो आपकी कॉमन सेंस क्या कह रही है? जिसकी कंडक्टेंस ज्यादा होगी उसकी रेजिस्टेंस कम होगी, और जिसकी कंडक्टेंस कम होगी उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? तो हमने एक रिलेशन बना रखा है, और वो रिलेशन है क्या? के इज इक्वल टू 1 ओवर आर। वो रिलेशन है क्या? के इज इक्वल टू 1 over R. Conductance is reciprocal of resistance or resistance is reciprocal of conductance. एक ही बात। ठीक? अच्छा, अब अगर मैं इस K को यहाँ पर put कर दूँ, तो मेरे पास equation की शक्ल जो है ना वो कुछ ऐसी बन जाएगी।
is equal to 1 over r times v, यानी v is equal to r. ये ओम्स लॉ की वो शक्ल है जो आपके जहर बच्चे के जहन में मौजूद होगी. अच्छा, ओम्स लॉ को अप्लाई करने के लिए कुछ कंडीशन होती है, वो जहनों में है. टेम्परेचर कॉन्स्टेंट ऑफ वॉट, और रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस कॉन्स्टेंट हो, और रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस को कॉन्स्टेंट रखने के लिए लेंथ का कॉन्स्टेंट होना जरूरी था, एरिया का कॉन्स्टेंट होना जरूरी था, टेम्परेचर का कॉन्स्टेंट होना जरूरी था. इन तीनों को मिलाकर हम क्या नाम दिया करते थे, फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर. वो स्टेटमेंट याद, अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड प्रोवाइडेड दैट फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स द सेम. उस फिजिकल स्टेट में तीन चीजें आती है, लेंथ, एरिया और टेम्परेचर. क्यों? अगर आज आपने फिजिकल स्टेट को चेंज किया तो कौन चेंज हो जाएगा? आ? अगर आर चेंज हो गया तो कौन चेंज हो जाएगा? के. अगर के चेंज हो गया तो के कॉन्स्टेंट नहीं रहा. अगर के कॉन्स्टेंट नहीं रहा तो क्या मैं ओम्स लॉ अप्लाई कर सकता हूं? नहीं. यही वजह है कि जब आप ओम्स लॉ के लिए ग्राफ बनाएंगे वी और आई का, तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा, हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा. और क्योंकि आप तो सारे इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं, स्लोप जानते होंगे, स्लोप क्या है, ग्रेडियंट क्या है, एक ही बात है. अगर मैं इस ग्राफ का स्लोप निकाल लूं, तो स्लोप कैसे निकालते थे, चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स. तो क्या मैं कह सकता हूँ चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स बेसिकली रेजिस्टेंस है. उस पल्ले पढ़ना मैंने कहा क्या, अगर आप ओम्स लॉ का ग्राफ बनाइए और
आप लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, आप लेंथ कम करेंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। ठीक, दूसरी बात, अगर मैं एरिया की बात करूं तो फर्स्ट के मेरे पास तीन कंडक्टर है, कंडक्टर वन, कंडक्टर टू और कंडक्टर थ्री। मैंने तीनों की लेंथ को सेम रखा हुआ, सिर्फ एरिया में फर्क है। बता सकते हैं किस कंडक्टर में पर यूनिट टाइम ज्यादा चार्ज फ्लो कर सकता है? ठीक है, एक आवाज मुझे मंजूर सुनाई थी, मैं आसान से जो है वो एग्जांपल दूं। जैसे आप रोड पर गाड़ी चला रहे और आप तो शारे फसल पे चला रहे हैं जहां पे चार ट्रैक मौजूद है, ठीक है, आप लेफ्ट मोस्ट पे थे, आपको लगा आगे ट्रैफिक है, आपने ट्रैक चेंज कर लिया, यहाँ ट्रैफिक है, आपने ट्रैक चेंज कर लिया, तो आपके मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। इवन अगर आप अपने ट्रैक पे रहे तो एक सेकंड में कम से कम कितनी गाड़ियां गुजर जाएंगी एक साथ? चार, क्योंकि चार ट्रैक होने का मतलब है चार गाड़ियां जा सकती है। लेकिन आप एक ऐसे रोड पे गाड़ी चला रहे हैं जिसमें सिंगल ट्रैक है, अगर आगे वाली गाड़ी बंद हो गई आप कुछ भी नहीं कर, आप लेफ्ट राइट कहां जाएंगे? जब एक ही ट्रैक होगा तो ना लेफ्ट पे जगह होगी ना राइट पे जगह होगी, और इवन अगर कुछ बंद भी नहीं होता तो एक वक्त में कितनी गाड़ी जा सकती है? एक। तो इस तरीके से सोचिए, जब मेरे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा तो पर यूनिट टाइम ज्यादा चार्जेस यहां से ट्रेवल कर सकते, करंट ज्यादा होगा, जब करंट ज्यादा होगा तो मुझे रेजिस्टेंस कम नजर आएगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लिए ऑप्शन ज्यादा है ट्रेवल करने के लिए। नैरो वायर में कंजेशन फील होती है, नैरो वायर में आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन का दम विड्रॉ होगा क्योंकि सारे एटम बहुत क्लोजली पैक्ड है, बहुत नैरो क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, और पर यूनिट टाइम कम इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेगा तो रेजिस्टेंस जो है वो ज्यादा होगी। तो ये कैसा रिलेशन बन जाएगा? इनवर्स, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक, तीसरा फैक्टर टेम्परेचर, इसकी थोड़ी बात आते हैं। जब हम इन दोनों को मिलाते थे तो आप क्या कहते थे? आर इज प्रोपोर्शनल टू एल ओवर ए, आर इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट टाइम्स एल ओवर ए, आपके पास क्या बन जाएगा? आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए। यहाँ पर ये रो एक कांस्टेंट होता था और इस कांस्टेंट को आप क्या नाम देते थे? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या जिसका दूसरा नाम हुआ करता था क्या? रेजिस्टेंस। आप इसको नाम देते थे क्या? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसका दूसरा नाम हुआ करता था क्या? रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी में और रेजिस्टेंस में फर्क क्या है? रेजिस्टेंस कंडक्टर की होती है, आप कंडक्टर को आधा कर दें, कंडक्टर को डबल कर दें, रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी। रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मटेरियल ऑफ द कंडक्टर की होती है, आप कंडक्टर बड़ा करें, कंडक्टर छोटा करें, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, आज अगर मैं आपको तीन कंडक्टर दूं, कंडक्टर वन, कंडक्टर टू और कंडक्टर थ्री, और मैं आपको बता दूं कि तीनों कंडक्टर कॉपर के बने हैं, तीनों कंडक्टर कॉपर के बने हैं और तीनों का टेम्परेचर भी सेम है, टी टी एंड टी, क्योंकि तीनों का मटेरियल सेम है, तीनों का टेम्परेचर सेम है, तो तीनों के लिए रेजिस्टिविटी भी क्या रहेगी? सेम। अलबत्ता इनके लेंथ और एरिया में क्या है? फर्क। तो इनकी रेजिस्टेंसेस क्या रहेंगे? चेंज, आर वन, आर टू, आर थ्री। बस सही बात है, रेजिस्टेंस कंडक्टर की होती है और रेजिस्टिविटी जो है वो मटेरियल ऑफ द कंडक्टर की होती है, और ये मटेरियल ऑफ द कंडक्टर जो है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? मटेरियल के टेम्परेचर पे, कि मटेरियल का जो है वो टेम्परेचर के, मटेरियल का टेम्परेचर कितना है। तो टेम्परेचर जो हमने यहाँ पर लिखा था, टेम्परेचर के चेंज होने से रेजिस्टेंस चेंज होती है, लेकिन डायरेक्टली नहीं, टेम्परेचर के चेंज होने से पहले कौन चेंज होगा? रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी के चेंज होने से कौन चेंज रहेगा? रेजिस्टेंस। ये बात आपको याद रहेगी। अच्छा, अगली बात, अगर अगली बात मान रहे हैं कि रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड कर रही है, एरिया पे डिपेंड कर रही है, तो अब दो तीन सवाल सुनिए। पहली चीज, ये जो सवाल है ये मेरे पास थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि कभी कभी वो एग्जाम में सवाल किस तरह देंगे, वी हैव थ्री वायर्स ऑफ कॉपर ऑफ डिफरेंट लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया, वी हैव डिफरेंट और वी हैव थ्री वायर्स ऑफ कॉपर ऑफ डिफरेंट लेंथ एंड एरिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? दे विल हैव सेम रेजिस्टेंस
एंड डिफरेंट रेजिस्टिविटी, दे हैव सेम रेजिस्टिविटी एंड डिफरेंट रेजिस्टेंस, नॉट इनफ इंफॉर्मेशन, तीन ऑप्शन दे रहा हूं आपको, आप किसको सही मानेंगे? सेकंड में, अच्छा मैंने जिसका सवाल किया था ना, आप सवाल एकदम सुने तो आपको बात समझ में आएगी. We have three conductors of copper of different length and area. तो different length और area से उनकी resistance क्यों हो जाएगी? Change. क्या मैंने ये बात कही कि temperature constant? नहीं. अगर मैं ये बात नहीं बताता कि temperature constant है तो क्या जरूरी है कि resistivity same रहे? नहीं. तो फिर not enough information, ये सबसे ज़्यादा बेहतर जवाब होना चाहिए. समझ पा रहे हैं क्या कह रहा हूँ? अच्छा अगर वो सवाल ऐसा देते हैं, 3 miles of copper at same temperature have different length and area. क्योंकि उन्होंने same temperature कह दिया, तो अब resistivity क्या हो जाएगी? Same. क्योंकि length और area different है, तो resistance क्या हो जाएगी? Different हो जाएगी. तो सवाल के अल्फाज जो है वो गौर से पढ़ने की जरूरत होती है. ये एक केस है. अब एक सवाल और सुनिए. अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक वायर है जिस वायर की लेंथ L और इसका एरिया ए है, टेम्परेचर टी था, इसकी रेजिस्टेंस आर. मैंने क्या किया? मैंने इस वायर की लेंथ को बढ़ा दिया. अब वायर की लेंथ को बढ़ाने के दो तरीके हो सकते हैं. वो दो तरीके क्या है? पहला तरीका, वायर को खींच दीजिए, वायर को खींच दीजिए. और दूसरा तरीका ये कि मेरे पास एक स्पूल ऑफ वायर था, मुझे एक मिनट दुकान के बाहर लेने जाता था, तो देखा वो वायर जो है वो एक रिंग के ऊपर लिपटा हुआ होता है. आपने कहा 1 मीटर चाहिए, वो 1 मीटर देगा. आपने कहा नहीं हमें 2 मीटर चाहिए, वो और वायर देगा. तो लेंथ तो तब भी बढ़ जाएगी. यानी वायर की लेंथ को बढ़ाने के दो तरीके हैं, या तो आप उसे स्ट्रेच कर लें या आप ज्यादा वायर ले लें. मुझे ऐसा लगता है मैं एग्जाम्पल बेहतर कर सकता हूँ. ठीक है, ये मास्क किसी काम तो आया. अगर मैं आपसे कहूँ मुझे इतना वायर दिया गया, इसकी लेंथ बढ़ा दी, डबल कर ली, खींच दो, दूसरा तरीका क्या? खींचू नहीं, सिर्फ ज्यादा वायर ले लो. अब मेरे पास एग्जाम्पल जो है वो थोड़ी और वाजे बतानी चाहिए कि जब आपसे कहा जाएगा कि वायर की लेंथ को बढ़ाइए, तो दो तरीके होते हैं, या तो आप वायर को स्ट्रेच करेंगे या आप ज्यादा वायर ले लेंगे. दोनों से जवाब पे फर्क पड़ जाएगा. किस तरीके से? अगर मेरे पास वायर की लेंथ एल थी, एरिया ए था, ठीक है, और मैं वायर को खींचता हूं, तो वायर को खींचने का क्या मतलब है? उसके लेंथ तो बढ़ रही है, एरिया भी क्या फर्क पड़ेगा? सोचे, अगर आज आप एक वायर को खींचेंगे, जब आप एक वायर को खींचते हैं तो उसके क्रॉस सेक्शन में कोई फर्क फील होता है? डिक्रीज हो जाएगा. वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा. और एक आइडियल कंडीशन की बात करें, आप लेंथ को डबल कर देंगे तो एरिया आधा हो जाएगा. टू कीप द वॉल्यूम कांस्टेंट, भाई आएगा आपसे कहा जाए इस वायर का वॉल्यूम निकाले, तो आप क्या कहेंगे? सर वॉल्यूम होगा एरिया इनटू लेंथ. ठीक है, अब अगर वॉल्यूम ऑफ द वायर कांस्टेंट है तो इसका क्या मतलब है? मैंने लेंथ को अगर डबल कर दिया तो एरिया को क्या हो जाना चाहिए? हाफ. अगर मैंने लेंथ को थ्राइस कर दिया तो एरिया को क्या हो जाना चाहिए? वन तक. कुछ आइडिया समझ आ रहा है कि जब आप लेंथ को चेंज करेंगे तो एरिया में उसके साथ साथ क्या होगा? चेंज. अब इस सवाल को गौर से सुनो. अ वायर ऑफ लेंथ एल एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ए इज स्ट्रेच्ड टू डबल ऑफ इट्स लेंथ कीपिंग द वॉल्यूम कांस्टेंट. ये जुमला बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कीपिंग द वॉल्यूम कांस्टेंट का क्या मतलब है? कि अगर मैंने लेंथ को डबल कर दिया है तो एरिया क्या हो गया होगा? हाफ. व्हाट शुड बी द न्यू रेजिस्टेंस? तो अब आप मुझे बताएंगे क्या होगा. मैंने लेंथ को डबल कर दिया है, मैंने एरिया को हाफ कर दिया. अब जो नई रेजिस्टेंस होगी उसको आप क्या कहेंगे? रो एल ओवर एल होता है, तो न्यू रेजिस्टेंस विल बी रो 2L ओवर हाफ ए. अब प्रिंटिंग वाले बच्चे ये बताना तो बड़ा होगा आपके साथ के डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर होता है, तो ये बेसिकली क्या बन जाएगा? 4 रो एल ओवर ए, इसका मतलब क्या बन जाएगा? 4R. यानी अब रेजिस्टेंस की नई वैल्यू क्या हो जाएगी? 4R. ये सवाल समझ में आ रहा है? अच्छा, अगर ये सवाल समझ में आ रहा है तो सवाल की दूसरी शक्ल देखिए. पहली शक्ल क्या थी? अ वायर ऑफ लेंथ L एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया A इज स्ट्रेच्ड
टू डबल ऑफ इट्स लेंथ बाय कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट। यानी आपको ये बता दिया कि लेंथ डबल होगी और एरिया आधा होगा, ठीक है। अब मैं समझ क्या कह रहा हूं, लेंथ ऑफ अ वायर इज इंक्रीज टू 12 वॉल्यूम विद न्यू रेजिस्टेंस। क्या सवाल में कहीं पे स्ट्रेच का जिक्र आया? ये कौन सा वाला केस है? आप दुकान पे वायर लेने गए, आपने कहा एक मीटर ने दो चाहिए, तो वो वायर खींच के दो मीटर नहीं करेगा, वो पूल में से उस पूल में से एक मीटर वायर और ले लेगा। तो अब क्या होगा, जब लेंथ बढ़ेगी तो एरिया सेम होगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा चेंज, अब वॉल्यूम कॉन्स्टेंट नहीं है। तो अब सवाल ये है कि जब मैंने लेंथ को 2L कर दिया तो मेरे पास रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2R। क्या आपको बात समझ में आ रही है? सॉल्व करके दिखाऊं, क्योंकि इस केस में एरिया चेंज नहीं हुआ। तो जब इस कॉन्सेप्ट का एमसीक्यू बनाया जाता है तो हमारे सामने दो रास्ते होते हैं, या तो एमसीक्यू ऐसा बनाए कि जिसमें वॉल्यूम ऑफ द वायर कांस्टेंट है तो बच्चे को भी एरिया वाला फैक्टर भी इंक्लूड करना पड़ता है, या फिर एमसीक्यू ऐसा बताते हैं जिसमें सिर्फ लेंथ चेंज हो रही है तो रेजिस्टेंस इसका चेंज हो जाएगी। बाकी रहे, अगर किसी ने कोई कंफ्यूजन है आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, अदरवाइज इसको नोट कर ले फिर आगे बढ़ जाए।
जो अल्फा है, ये अल्फा हमारे पास क्या होता था, क्या टेम्परेचर कोएफिशिएंट
और टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एक ही बात थी, आप इसको नाम देते थे क्या, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, और इसी का दूसरा नाम होता था टेम्परेचर कोएफिशिएंट, सिर्फ टेम्परेचर कोएफिशिएंट। अच्छा, इसी को आप टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी भी कह देते हैं। क्यों? अगर आप यहां से अल्फा की इक्वेशन बनाए तो अल्फा को कैसे लिखा जा सकता है, डेल्टा आर ओवर आर नॉट डेल्टा टी, कैसे डिफाइन कर देते हैं, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर यूनिट राइज ऑफ टेम्परेचर, याद आ रहा है। अच्छा, इस इक्वेशन में डेल्टा आर का मतलब ये था आर टी माइनस आर नॉट, आर नॉट डेल्टा टी। अगर मैं आर नॉट आर टी की वैल्यू पुट करूं तो आर टी का मतलब होगा रो टी एल ओवर ए माइनस आर नॉट का मतलब क्या होगा, रो नॉट एल ओवर ए, क्योंकि हम ये बात मान रहे हैं कि हीट होने से टेम्परेचर चेंज होने से कंडक्टर की लेंथ और एरिया में कोई सिग्निफिकेंट तब्दीली नहीं आएगी, जो तब्दीली आएगी वो किसमें आएगी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में। यहाँ पर लिखते थे क्या, रो नॉट एल ओवर ए डेल्टा टी। जब आप इसको सिंप्लीफाई करते थे L over A numerator में, L over A denominator में, दोनों को लगा देते हैं, कैंसिल, हमारे पास अल्फा का फॉर्मूला से क्या बच जाता है, रो टी माइनस रो नॉट डेल्टा टी, डेल्टा रो ओवर रो नॉट डेल्टा टी, इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट रेजिस्टिविटी पर यूनिट राइज ऑफ टेम्परेचर। ये आपके पास बेसिकली क्या था, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस के, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी का, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का, सबका मतलब एक ही है। बात समझ में आती है, आपके पास नोट।
सेक्शन एरिया कांस्टेंट है, अगर सेक्शन एरिया कांस्टेंट नहीं होगा तो रेजिस्टेंस कैसे इफेक्ट होगा? अच्छा सवाल है, लेकिन बात ये है कि उन्होंने आपको बताना नहीं, आपको सोचना। अगर एक ऐसा वायर दे दिया जाए, लेट्स से ठीक है, तो अब इस वायर की सबसे बड़ी मुश्किल क्या है, हर पॉइंट पर एरिया क्या हो रहा होगा चेंज, तो क्या हर पॉइंट पर आपको आर की एक ही वैल्यू मिलेगी या हर पॉइंट पर डिफरेंट वैल्यू मिलेगी? डिफरेंट वैल्यू मिलेगी, क्योंकि वो ग्रेजुअली जो है वो इंक्रीज होगी, एरिया बढ़ रहा है तो डिस्टेंस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, वो ग्रेजुअली क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी। तो वो सवाल ऐसा नहीं देंगे, या वो ये कह सकते हैं कि इस वायर की डिस्टेंस को कॉन्स्टेंट होना चाहिए, कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग होना चाहिए, कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग होना चाहिए, या नन ऑफ द अबव, तो वो कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग है, इनफैक्ट डिक्रीजिंग है, इफ वी आर गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। कैलकुलेट करने को कहते हैं, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि वो याद है ना मोशन में आप ग्राफ बनाते थे डिस्टेंस टाइम का, वो स्ट्रेट लाइन होता था, ग्रेडियंट निकालते थे, स्पीड आ जाती थी, तो इस सवाल में तो सही है। लेकिन अगर फर्स्ट के लिए मुझे क्वेश्चन दिया जाए जिसके अंदर ये कर्व बना हो और फिर मुझसे बोले बता यहां से लेके यहां तक की स्पीड क्या है, तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, एवरेज देना पड़ेगा, तो आप एवरेज स्पीड निकालेंगे, लेकिन रेजिस्टेंस में तो आप एवरेज रेजिस्टेंस है वो नहीं निकाल, ठीक। तो हमारे जहन में सारे फॉर्मूला होने चाहिए, क्योंकि होपफुली नेक्स्ट क्लास में कल से कब है, कल है ना, अपने सब बुक्स जो लेके आएगा, अभी क्लास खत्म नहीं हुई, थोड़ा टाइम बाकी है, लेकिन अपने सब बुक्स जो लेके आइएगा, क्योंकि मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा, और न्यूमेरिकल सॉल्व करने का अच्छा तरीका ये है कि आप में से हर बच्चे के सामने क्वेश्चन मौजूद हो, ताकि हम उसे सॉल्व करें और फिर हम ये देखेंगे वो कम से कम अपने कैसे सॉल्व हो सकता था। अच्छा, जब आप बात कर चुके इन सारी इक्वेशंस की, तो शायद आपके जहनों में मौजूद हो जूल्स लॉ, याद है किसी को जूल्स लॉ क्या कहता, जी तो याद है जूल्स लॉ क्या था, तो आप लोग कोविड से पहले भी ऐसे ही थे या उसके बाद ऐसे हो गए? जितना ज्यादा कोलिजन होगा उतनी ज्यादा एनर्जी हीट बन के लॉस होगी,
तो क्या मैं कह सकता हूं जिस कंडक्टर की रेजिस्टेंस ज्यादा होती है उसमें हीट डिसिपेशन ज्यादा होती है, जिस कंडक्टर की रेजिस्टेंस कम होती है उसमें एनर्जी लॉसेस, हीट डिसिपेशन, पावर लॉसेस जो है वो कम होते हैं। कुछ अक्ल में बात आ रही है। देखिए मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। हमारे सामने कुछ एग्जांपल्स हैं जहां पर हम चाहते हैं कि हीट डिसिपेट हो। फॉर एग्जाम्पल बल्ब, अभी आप जिस मतलब के मासूम बच्चे हैं शायद उसके घरों में बल्ब लगा होता हो, ठीक है, जब भोले बच्चे बैठे ना कुछ भी बोल रहे ऐसे हो जाते हैं, पता ही नहीं सर हमें छह महीने में ये तो बताया होगा कि बल्ब होता है। तो अगर हम बात करें बल्ब की, तो बल्ब में क्या होता है, फिलामेंट लगा हुआ होता है। जैसे ही आपने स्विच ऑन किया वो फिलामेंट ग्लो करने लगता है। कैसे ग्लो करता है? ठीक है, देखो पूरा जूसा पता था तुमने, बेकार में बदनाम कर दिया। तो जब आप बल्ब को देखेंगे जैसे आपने उसे स्विच ऑन किया उसका जो फिलामेंट है ना वो बराबर टंगस्टन मेटल का जिसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा, जब करंट पास होता है तो वो इतना हीट अप हो जाता है कि वो ग्लो करने लग जाता है, वो इतना हीट अप हो जाता है कि वो ग्लो करने लग जाता है। कुछ आइडिया समझ में आ रहा है? ये पहले एग्जांपल हो गया। ये वो एग्जांपल है जहां पर हीट डिसिपेशन हमारी जरूरत है। इलेक्ट्रिक केटल देखिए, टोस्टर देखिए, सैंडविच मेकर देखिए, हेयर स्ट्रेटनर देख लीजिए या हेयर ड्रायर देख लीजिए, उन सब का काम क्या है, करंट पास होगा वो हीट अप हो जाएंगे और आप अपना ऑब्जेक्टिव पूरा कर लेंगे कि आपने स्लाइस डाला वो टोस्ट बन के बाहर निकल गया, आपने शैम्पू किया था आपने बाल अपने जो है वो सुखा लिए। कुछ आइडिया समझ आ रहा है? तो इम्पोर्टेंट बात क्या है, इम्पोर्टेंट बात ये कि कुछ जगहों पर हीट डिसिपेशन हमारी जरूरत है, उन जगहों पर हम कौन सा मटेरियल इस्तेमाल करें, जिनकी रेजिस्टेंस ज्यादा हो या जिनकी रेजिस्टेंस कम हो, ज्यादा हो क्योंकि ज्यादा रेजिस्टेंस का मतलब ज्यादा एनर्जी डिसिपेशन, ठीक। लेकिन कुछ जगह ऐसी है जहां पर हम बिल्कुल भी नहीं जाते। फॉर एग्जाम्पल हमारे घरों में जो वायरिंग हुई भी होती है वो वायरिंग कौन से मटेरियल की होती है? कॉपर। और कॉपर लेने का रीजन? अच्छा अभी हम तो इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो आप बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर से फिलहाल कह दीजिए कि चीप भी है अच्छा कंडक्टर भी है, ठीक है ना। तो नतीजा क्या निकलेगा, जब उसकी रेजिस्टेंस कम है तो वो हीटअप नहीं होगा। यही वजह है कि जितने वायर्स होते हैं वो कॉपर वायर्स है, क्योंकि कॉपर वायर की रेजिस्टेंस क्या होती है कम, तो उसमें एनर्जी डिसिपेशन क्या होती है बहुत कम, ना होने के बराबर। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर आपसे कहा जाए कि आपने एक बल्ब बनाना है और आप जिद पे आ रहे हैं मैं तो कॉपर वायर से ही बनाऊंगा, मैं कॉपर वायर से बनाऊंगा, क्या होगा, क्या वो ग्लो करेगा? नहीं, करंट गुजरता रहेगा वो ग्लो नहीं करेगा। और फिर आप एक और से बनाए, सर मेरे घर में जितनी वायरिंग है ना सारी टंगस्टन की होनी चाहिए, तो पूरा घर जो है वो जगमगाता हुआ नजर आए या ना आए, लेकिन जब बिल आएगा तो फिर पता चलेगा कि सर यहां से क्या बताते थे कि कॉपर में और टंगस्टन में क्या फर्क है। तो जोर शोर की जो बुनियाद है वो एनर्जी डिसिपेशन है। अब जोर शोर कहता क्या था, जोर शोर ये कहता था एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट किया, एक क्या आ गया कांस्टेंट, वो कांस्टेंट यहां पर होता था q, तो इक्वेशन बन गया e इक्वल q। अच्छा मैं अक्सर बच्चों के बाद बताता हूं कि कोई नया फार्मूला आपने नहीं पढ़ा था, क्या जिंदगी में कभी ये फार्मूला देखा है, पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये तो पोटेंशियल डिफरेंस की फंडामेंटल डेफिनेशन, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा, q डेल्टा v, और वर्क का मतलब है एनर्जी, मैं पोटेंशियल डिफरेंस को डेल्टा v का और v का डजंट मेक एनी डिफरेंस, आप दोनों को देख लीजिए तो फिर फॉर्मूलेशन का तो ये बन जाता है v स्क्वायर ओवर r टाइम्स t। मैंने भी ये वाले क्वेश्चन पढ़ा था, भारी बहुत बड़ा खर्चा लगा था, ठीक। तो उसमें लिखा हुआ है कि अगर फोन नजर आया तो ले लिया जाएगा और सेम डे में वापस भी।
कुछ पूछना चाहता हूँ
क्योंकि नॉट इनफ इंफॉर्मेशन का सवाल ही नहीं होता। अगर आपके कहने से मुझे वी गिवन नहीं है तो आपको ये तो गिवन है कि मैंने करंट को चॉइस कर दिया और अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आई इज प्रोपोर्शनल टू वी। अगर मुझे करंट को चॉइस करना है तो ये इम्प्लिसिटली डिफाइन है कि मैंने वी को भी क्या कर दिया होगा, चॉइस कर दिया होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है ना, तो आंसर तब भी क्या आएगा आपके पास, नाइन आएगा। अगर नोट करना चाहते हैं नोट करें।